साप्ताहिक अवकाश में भी हमारे साथीगण पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ये आप ही लोगों का संख्या बल है, आप ही लोगों का संघर्ष है। जिसको लेकर हम लोग 42 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, ये आप ही लोगों की मेहनत का रंग है। ये अधिकारियों के दिलों में हलचल बनी, खौफ पैदा हुआ, डर पैदा हुआ, जो डर 12 वर्षों से स्मारक समिति के कर्मचारियों के दिलों में दिमाग में बैठाला गया था, वो डर कहीं ना कहीं कम हुआ है, खत्म भी हुआ है। और जो डर बनाया था स्मारक साथियों के अंदर, वो डर अब स्मारक समिति के उच्च अधिकारियों के दिलों में बैठ चुका है। पहली सफलता आप लोगों ने हासिल की, प्रबंधक प्रशासन महोदय जी की कुर्सी गई, कार्यभार गया। दूसरी सफलता भी आपको अवश्य मिलेगी। यदि इसी तरह आपका संघर्ष जारी रहेगा तो हर वो दोषी अधिकारी उस कुर्सी से हटाया जाएगा, चाहे हमारे उसके लिए वित्त प्रबंधक हो या विजय सिंह जी हो WO, या मुख्य प्रबंधक महोदय हो या सदस्य सचिव महोदय स्वयं न हो, वो भी हटाए जाएंगे, दोषी पाए जाएंगे, अवश्य हटाए जाएंगे। हमारे साथ जितना करना था उन्होंने कर दिया, आगे भी जो इच्छा होगी वो करेंगे। लेकिन ये कारवां 13 वर्षों में चला है, ये स्थगित होगा तो हमारे शासनादेश निर्गत होने के बाद ही होगा। सोचने योग्य बात है, किस प्रकार के अधिकारी हमारे बैठे हैं, जरा सी उनके अंदर इंसानियत नहीं है कि स्मारक समिति के ये बच्चे आज 42 दिनों से बैठे हैं, इनकी मांगों पर विचार ना करके, शासनादेश निर्गत ना करके सस्पेंशन में, स्थानांतरण में, वेतन रोकने जैसी प्रक्रियाओं में समय बर्बाद कर रहे हैं। यह उनको पता होना चाहिए। हम उसी प्रथम दिवस से इसी तरह संकल्प के साथ बैठे हैं। इस बार जो लड़ाई जारी हुई है वो आर पार की जारी हुई है, करो या मरो की स्थिति में जारी हुई है। अब हम इसी आशय के साथ दिन प्रतिदिन संख्या हमारी बढ़ रही है। 42 दिन हुए हैं, कल 43 दिन भी होंगे। हम इसी उम्मीद से आते हैं कि शायद आज कोई सरकार की तरफ से नुमाइंदा या अधिकारी कोई सक्षम शासनादेश लेकर के आएंगे और सुबह से शाम हो जाती है संघर्ष करते हुए, दूसरे दिन फिर उसी उम्मीद किरण के साथ विश्वास के साथ आते हैं और संघर्ष करते हैं। लेकिन हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया। ऐसी कौन सी मांग हमने मांग ली जो ये दे नहीं सकते, या कोई दुनिया का सातवां अजूबा हमने मांग लिया हो जो प्रदेश के किसी भी कर्मचारियों को न दिया जा रहा हो, वो हम मांग रहे हो तो बता दे। हम तो
हमारी साधारण सी मांगे हैं कि प्रदेश के हर वो कर्मचारी को पुनरीक्षित वेतनमान ग्रेड पे 1852 से 20,200 का स्केल दिया जा रहा है, लेकिन स्मारक समिति के कर्मचारियों को ग्रेड पे 1300 और 1400 दिया जा रहा है। हर प्रदेश के कर्मचारियों को सवेतन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दी जा रही है, हम भी वही मांग रहे हैं। प्रदेश के हर विभाग को हर एक कर्मचारी का वेतन से 10% की कटौती की जाती है और वो पैसा उसके खाते में जमा कराया जाता है, नियोक्ता अंशदान भी जमा कराया जाता है। हम भी वही मांग रहे हैं, जो हमारा पैसा है हमें अपना ही पैसा देने में समस्या उत्पन्न हो रही है। प्रदेश के हर विभाग में आश्रित परिवार को सेवा में लिया जाता है, स्मारक परिवार भी उन 171 परिवार के लिए, आश्रित परिवार के लिए सेवा का आदेश मांग रहा है। प्रदेश के हर कर्मचारी को दीपावली पान पर में भी बोनस दिया जाता है, हम भी दीपावली पे बोनस मांग रहे हैं। प्रदेश के हर कर्मचारी को 7 पे कमीशन का लाभ दिया गया, हम भी 7 पे कमीशन का लाभ मांग रहे हैं। इनमें कोई अलग मांग हो तो हमें इसका जवाब दिया जाए, ये मांग आपकी अलग है, ये मांग आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, मत दीजिए, लेकिन जो जायज है वो हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारे शासनादेश निर्गत किए जाए। हाँ, एक मांग अवश्य जरूर हमने अलग से की है, कोई स्मारक समिति में 2011 से प्रतिवर्ष अनुरक्षण के लिए बजट दिया जाता है और वो अनुरक्षण के पैसे का गमन किस तरह से बंदरबांट करना है इनको, उस पर अपना समय ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि हमारी समस्याओं का निराकरण करने से उनका नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी से लेकर मुख्य प्रबंधक जी से लेकर प्रबंधक प्रशासन वित्त प्रबंधक डब्ल्यू विजय सिंह जी, सहायक प्रबंधक प्रशासन, परिक्षेत्र प्रबंधक, सपरिक्षेत्र सहायक प्रबंधक, व्यवस्थापक, सुपरवाइजर, ये सिर्फ इस अनुरक्षण के बजट को किस प्रकार से खाका तैयार करना है, कहां हमें काम दिखाना है, कहां का मेंटेनेंस दिखाना है, कहीं मेंटेनेंस कराना नहीं है, सिर्फ कागजों में दिखाना है, इस पर दिमाग लगाते हैं। और दिमाग लगाकर जो प्रतिवर्ष अनुरक्षण के लिए बजट दिया जाता है उस पैसे को बंदर बांट करने में पूरा समय व्यर्थ करते हैं और वो मजबूत भी हो गए, आर्थिक रूप से वो स्वतः मजबूत हो चुके हैं, अब उनके अंदर इस बात का डर नहीं है
कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर इस बात पर जांच बैठाल दी गई तो क्या होगा हमारे साथ, नौकरी बचेगी कि जाएगी, चली भी जाएगी तो उन्होंने अनक्षण के पैसे का इतना घोटाला कर लिया है कि वो आराम से बैठकर अपनी जीविका, अपने बच्चों की जीविका सुचारू पूर्वक संचालक कर लेंगे। हम इसी उद्देश्य से 30 जनवरी तक उम्मीद करेंगे कि शासनादेश हमारे निर्गत हो और 31 जनवरी को हम लोग पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास पर समस्त कर्मचारी केकेसी मार्ग से होते हुए अटल चौक होते हुए ज्ञापन सौंपने के लिए जाएंगे, पैदल जाएंगे यहां से। उसके लिए प्रशासन महोदय जी से कहना चाहूंगा, व्यवस्था करें, कुछ संख्या के साथ यहां कर्मचारी उपस्थित होंगे, कुछ कर्मचारियों को संकेत में बताया जाएगा कि इतने बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास पर टुकड़ों टुकड़ों में वहां पर पहुंचना है। अपडेट मंच से ऐलान नहीं करेंगे कि हम किस डेट पे जाएंगे, ये सिर्फ हमारे स्मारक के साथियों को पता होगा, ना न्यूज चैनल को पता होगा, ना शासन में बैठे उच्च अधिकारियों को पता होगा और ना यहां की पुलिस प्रशासन महोदय को पता होगा। यदि हमारी मांगों पर गहन अध्ययन करके, विचार विमर्श करके हमारी मांगों पर शासनादेश निर्गत नहीं किए जाते तो 30 जनवरी के बाद हमारी अगली रूपरेखा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन सौंपने के लिए है वो गुप्त रूप से डेट सुनिश्चित हो जाएगी और गुप्त रूप से समय निश्चित हो जाएगा और गुप्त रूप से स्थान भी। आप सभी साथियों से उम्मीद करूंगा कि वो समय आएगा तो आप लोग अवश्य उस समय पर टुकड़ों टुकड़ों में भले ही पहुंचना, लेकिन पहुंचना है। मैं बता दूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी और स्मारक समिति के अध्यक्ष महोदय जी को, स्मारक समिति अध्यक्ष महोदय जी को पता है कि स्मारक समिति में लगभग 4000 से 4200 के समथिंग चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की संख्या है और जिस समय 4000-4200 की संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर पहुंचेंगे तो व्यवस्थाएं क्या होंगी वो स्वयं जानते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा 30 जनवरी तक हमारी मांगों पर शासनादेश निर्गत कर दिया जाए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। निकलो अपने मकानों से, निकलो अपने मकानों से, पूरी हो, हमारी मांग।
मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो।